हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कितना कर्ज माफ किया? हिमाचल के सेब अदानी, हथियार अदानी, एयरपोर्ट अदानी, रेलवे अदानी। रुद्रिमा सोलंकी जी का भाषण देंगे आज? सारा का सारा धन दो तीन बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। आप जहां भी देखो आपको अदानी 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 नाम दिखाई देगा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। हिंदुस्तान में आर्थिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है, किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। उन बैंक उसे कहेगा, देखिए बुलबुल जी आप घर जाइए, यहाँ पे हम सिर्फ अदानी अंबानी जैसे लोगों को बैंक लोन देते हैं। तो बीजेपी का कोई, जैसे आज बीजेपी के तीन चार झंडे लिए खड़े थे तो चिल्ला रहे थे वो, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने जाके हाथ मिलाया, मैंने उनसे कहा भैया कैसे हो, और वो चिल्लाना बंद कर गए, फिर मुस्कुराना बंद शुरू कर दिया, और फिर जब मैं जा रहा था मुझे ऐसे कर रहे थे। आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। मशीन से काम करते थे, हाथ कट गया, काफी कष्ट हुआ होगा आपको। तो ऐसे हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं, आपकी सरकार ने मदद की? किसी ने आपकी मदद की? किसी ने नहीं की आपकी मदद। तो भारत जोड़ो का मतलब नफरत नफरत मिटाओ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। और ये काफी आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। जैसे कभी कभी होता क्या है, जैसे मैं यात्रा में चल रहा होता हूं तो बीजेपी का कोई, जैसे आज बीजेपी के तीन चार झंडे लिए खड़े थे तो चिल्ला रहे थे वो, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने जाके हाथ मिलाया, मैंने उनसे कहा भैया कैसे हो, और वो चिल्लाना बंद कर गए, फिर मुस्कुराना बंद शुरू कर दिया, और फिर जब मैं जा रहा था मुझे ऐसे कर रहे थे। आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। और ये क्या होता है, जब कोई जीवन को, नहीं सुनो सुनो, जैसे कोई, जैसे ये है भैया आपका नाम क्या है, ये गोकुल जी है, ठीक है गोकुल जी है ये। अब देखो इनका हाथ चला गया, अब इनको तो गुस्सा होना चाहिए मेरा हाथ चला गया, मगर देखो ये मुस्कुरा रहे हैं, ये खुश है, देखो ये इसका खड़े चेहरा देखो खुश है ये। तो मेरा कहना है जो अपने जीवन का सामना नहीं कर सकता, जो डर जाता है, वो ही उसी के अंदर नफरत पैदा होती है, वो दूसरों को देखता है गुस्सा होता है, मगर जो जीवन का सामना कर सकता है, जो डरता नहीं है, उसके दिल में नफरत गुस्सा आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंत में जो मुझे करना है मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर काबिलियत है, तो उसको डर ही नहीं लगता। तो यात्रा हमने की कन्याकुमारी से कश्मीर, अब अजीब सी बात आपको बताएं, 4000 किलोमीटर हम चले, 30 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर रोज चलते थे, शाम को हमें पता नहीं लगता था, थकान नहीं आती थी, और हर रोज मैं अपने आप से पूछता था ये हो क्या रहा है, 30 किलोमीटर चल लिया, जितनी शक्ति सुबह थी उतनी शक्ति शाम को है। और फिर मुझे बात समझ आई, ये हिंदुस्तान की जनता का प्यार है, उनका मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है,
कि ये मेरी मदद कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा है, जोड़ने के लिए लड़ रहा है, तो ये बिना कुछ कहे मेरी मदद कर रहे हैं। और जब ये मुझे मोहब्बत दे रहे हैं, अपनी शक्ति दे रहे हैं, मुझ में थकान ही नहीं आ रही। अब दूसरी यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि लोगों ने हमें कहा, देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए, मगर आप आसाम नहीं गए, आप बंगाल नहीं गए, उड़ीसा नहीं गए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं गए, गुजरात नहीं गए, तो ये यात्रा जो है इसको इन प्रदेशों में भी जाना चाहिए। इसलिए हमने दूसरी यात्रा शुरू की और मणिपुर से शुरू की और आज मैं यहां आपके सामने हाजिर हुआ हूं। उसमें हमने नया शब्द जोड़ दिया, न्याय शब्द। अब आप पूछोगे, भैया न्याय शब्द क्यों जोड़ा? मैं आपको बताता हूं, हिंदुस्तान में आर्थिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है, किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। सारा का सारा धन दो तीन बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। आप जहां भी देखो आपको अदानी 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 नाम दिखाई देगा। हिमाचल के सेब अदानी, हथियार अदानी, एयरपोर्ट अदानी, रेलवे अदानी, तो जहां भी देखो आपको वही दो तीन बड़े नाम दिखेंगे, वही बड़े दो तीन नाम दिखाई देंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका टेस्ट लेना चाहता हूं। चलो, जैसे आपका टेस्ट होता है ना, वैसे अब इनका टेस्ट लेंगे। मुझे बताओ हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? 50%। दलित वर्ग के कितने हैं? 15। आदिवासी वर्ग के कितने हैं? 8। माइनॉरिटी के कितने? 15। गरीब जनरल कास्ट के कितने? 5-6%। सब मिलाकर 90% हो जाता है। अब अगर आप सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालोगे, हिंदुस्तान के 200 सबसे बड़े अरबपति, सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालोगे, आपको उसमें ना एक पिछड़ा मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक आदिवासी मिलेगा, ना एक गरीब जनरल कास्ट का मिलेगा। नहीं है, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट की लिस्ट निकालो, 90 है जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, वो लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90 में से 3 पिछड़े मिलेंगे, और वो भी छोटा छोटा काम करते हैं, छोटी सी मिनिस्ट्री उनके पास। जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं उसमें ना पिछड़ा है, ना दलित है, ना आदिवासी है, सही है ना? आप मीडिया में देखो, आपका नाम क्या है? बुलबुल यादव। बुलबुल यादव जी, आप एक काम करना, अब ये जो आपको मीडिया में बड़े बड़े पत्रकार दिखते हैं, जो मीडिया के मालिक दिखते हैं आप एक काम करना, आज जब आप वापस जाएंगे, जब आप टीवी चालू करेंगे, उसमें से आप एक यादव ढूंढ के निकाल दो। अगर आपको एक यादव मिल जाए, एक यादव मिल जाए, मुझे बता देना, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। एक कुशवाहा ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। एक यादव ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। आपको पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग ना मीडिया में मिलेंगे, ना ब्यूरोक्रेसी में मिलेंगे, ना बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिस्ट में मिलेंगे। आपको कहां मिलेंगे मैं बताता हूं, आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, वहां आपको मिलेंगे। मनरेगा की लिस्ट निकालो, वहां आपको मिलेंगे। अब इसने मुझे बताया कि मेरे पापा छोटी सी दुकान चलाते हैं, सही। अब इसके पापा छोटी दुकान चलाते हैं, अब इनके पापा को कैसे खत्म करने की कोशिश की? पहले जीएसटी लागू की, नोटबंदी लागू की, और इनका जो पापा का जो कैश फ्लो होता है, रोक दिया।
का पापा की दुकान है वहां अदानी फ्रेश अंबानी फ्रेश खुल जाए, या किसी बड़े उद्योगपति की फ्रेंचाइज की दुकान खुल जाए और इनके जो पापा हैं उनका रोजगार चले जाए और ये पढ़ाई ना कर पाए। नौकरी जाके करे किसके लिए? उसके लिए। मजदूरी करे किसके? उसके लिए। तो आप हर इंडस्ट्री को देख लो, कोई भी इंडस्ट्री देख लो हिंदुस्तान में, आपको सब जगह यही 10-15 लोग दिखेंगे। अब मेरा क्या कहना है, मैं चाहता हूं कि नाम क्या था तुम्हारा? मैं चाहता हूं कि बुलबुल यादव एक दिन कहे अपने आप से कि मैं ये जो मोबाइल फोन है ऐसा मोबाइल फोन बनाना चाहती हूं, ठीक है, और फिर ये बैंक के पास जाए और बैंक से कहे मेरा नाम बुलबुल यादव है, आप मुझे लोन दो, मैं ये मोबाइल फोन का काम करना चाहती हूं, और बैंक उसे कहे हाँ बुलबुल ये लो अपना पैसा, जाके अपना छोटा सा बिजनेस चालू करो। आज अगर बुलबुल यादव बैंक के अंदर जाए और उनसे कहे कि भैया मैं छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, उन बैंक उससे कहेगा देखिए बुलबुल जी आप घर जाइए, यहां पे हम सिर्फ अदानी अंबानी जैसे लोगों को बैंक लोन देते हैं। मनरेगा को चलाने में कितने रुपए लगते हैं साल के? हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं टेस्ट ले रहा हूं आपका, आप भाई और बहनों आपका पैसा है, ये जो पूरा खर्च हो रहा है मनरेगा में, डिफेंस में, इनकी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ये आपका है। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं आपके पैसे के बारे में, मनरेगा में एक साल का पैसा कितना होता है? 16,000 करोड़। कितना? 65,000। ये किसका पैसा है? ये बुलबुल यादव और आप सबका पैसा है। तुम्हारा नाम क्या है? रिद्धिमा। पूरा नाम क्या है? रिद्धिमा सोलंकी। रिद्धिमा सोलंकी जी आप भाषण देंगे आज? अच्छा कुछ तो कह दो, इनसे सवाल पूछो, इनसे सवाल पूछो, ठीक है? मैं बताता हूं, इनसे पूछो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 10 नहीं हिंदुस्तान के 20-25 सबसे अमीर लोगों का कितना कर्ज माफ किया है, ठीक है? पूछो जोर से। नरेंद्र मोदी ने फिर से याद कराते हैं, घबराना नहीं है, ये तुम्हारे लोग हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे लोग हैं, तुम घर में बैठी हो, ठीक है, तुम घर में बैठी हो, अब तुम अपने भाई बहनों से परिवार से बात कर रही हो, तो मैं आपसे पूछता हूं, अब आप पूछना, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कितना कर्ज माफ किया? नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में कितने? अच्छा मैं बोलूं, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का, हिंदुस्तानी सबसे अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया? कितना कर्जा माफ किया? 16,000,000,000। देखो देखो इनका पैसा है इनको मालूम ही नहीं, 16,00,000 करोड़ रुपया आपका पैसा, 20-25 लोगों का कर्जा माफ किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, नहीं आप पूछोगे, अब आप पूछो कितने साल मनरेगा का पैसा माफ किया? कितने साल मनरेगा का कर्जा माफ किया? एक भी नहीं। और मनरेगा को चलाने में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 25 लोगों को 24 साल मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया, 16,00,000 करोड़ रुपया, 65,000 करोड़ रुपया, 65,000 करोड़ रुपया मनरेगा का एक साल का, 16,00,000 करोड़ रुपया, 16,00,000 करोड़ रुपया उन्होंने माफ किया, मतलब 25 साल का मनरेगा का पैसा उन्होंने 20-25 लोगों को दे दिया, और आपको पता भी नहीं लगा,
आपके जेब से पैसा लिया, आपको पता भी नहीं लगा। छोटी बच्ची आपसे पूछ रहे हो, पूछ रही है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी बताइए, बैठिए, बोलो बोलो। किसानों के साथ छलावा किया, 2700 रुपए क्विंटल गेहूं का बोला, 2200 से 2000 हमारे किसानों का गेहूं बिक रहा है, और हम किसानों ने भी इस बार ठाना है कि अगर 2700 रुपए जो किसान नेता जीतू पटवारी जी ने वादे किया था, अगर 2700 रुपए जो किसान नेता जीतू पटवारी जी ने वादे किया था, अगर 2700 रुपए जो किसान नेता जीतू पटवारी जी ने वादे किया था, अगर वो हमें नहीं मिला है तो इस भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। तो देखिए हम यहाँ सिर्फ धन्यवाद, हम यहाँ, आपका नाम क्या है? नमस्कार, अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो हिंदुस्तान में, ठहर जाओ, तुम्हारी बारी आएगी, जो हिंदुस्तान में अन्याय हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों का काम हो तो फिर गरीबों का भी होना चाहिए, छोटे व्यापारियों का भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों का कर्जा माफ करते